तो बीमारियों की छह अवस्थाएं, और हम जानते हैं कि जब भी कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उसकी छह अवस्थाएं होती हैं, उसकी छह अवस्थाएं होती है। इवन जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आयुर्वेदा में भी छह अवस्थाएं होती हैं और एक्यूपंक्चर में भी छह अवस्थाएं होती है। सो देयर आर सिक्स स्टेजेस ऑफ द डिसीजेस, वेदर वी टॉक अबाउट द आयुर्वेदा और वी टॉक अबाउट द एक्यूपंक्चर। इन द आयुर्वेदा इट्स गिवन इन द नेम ऑफ सट सट क्रिया काल, मीन्स छह अवस्थाएं, कि जब कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो बीमारी को हमारे शरीर को, जैसे अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, अर्जुन ने, और अर्जुन ने जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया था तो पहला आउटर बाउंड्री, फिर द सेकंड बाउंड्री, फिर द थर्ड बाउंड्री, फिर द फोर्थ बाउंड्री, एंड कीप ऑन क्रॉसिंग द अनदर बाउंड्री, एंड फाइनली अर्जुन रीच्ड इनसाइड। ओ सॉरी, अभिमन्यु अंदर पहुंचा लेकिन फिर बाहर नहीं निकल पाया, है ना? ऐसे ही हमारे शरीर में कि अगर कोई पैथोजन अंदर घुसा, देन द फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल और सिक्स्थ लेवल पर पहुंच गया, तो या तो अब पैथोजन मर के निकलेगा, उसकी डेड बॉडी बाहर निकलेगी, या फिर वो हमारे पूरे शरीर की कमांड अपने हाथ में ले लेगा। सो वी आर हैविंग सिक्स स्टेजेस ऑफ एनी डिसीज। हमारी बॉडी को इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर एक लेवल को क्रॉस कर भी ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी आर डिस्कसिंग दिस सिक्स स्टेजेस ऑफ डिसीजेस, और हाउ द सिक्स चैनल मेकिंग डिफेंस ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के छह चैनल कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम में भाग लेते हैं, बस हम यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कुछ शब्दों का मीनिंग। सो इन द चाइनीज लैंग्वेज, द मीनिंग ऑफ ताई मीन्स मैक्सिमम। अगर मैंने किसी को बोला कि भाई तेरा परफॉर्मेंस तो ताई है, ताई, तेरे परफॉर्मेंस का तो कोई जवाब नहीं, इट इज ताई, मतलब मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर इज द ताई क्रिकेट मैन, ताई। ताई मींस मैक्सिमम, यानी ताई से ऊपर कोई नहीं, सबसे ऊपर ताई। अगर मैंने बोला ताई यांग, मतलब इससे बड़ा यांग हो नहीं सकता, और मैंने बोला ताई यिन, यानी इससे बड़ा यिन हो नहीं सकता। सो द मीनिंग ऑफ ताई यांग, द मैक्सिमम यांग, नो एनी अदर यांग कैन बिकम लाइक द ताई यांग। ताई यांग इज द मैक्सिमम। एंड इफ आई टेल यू ताई यिन, द मीनिंग ऑफ ताई यिन इज मैक्सिमम। Got it? So the meaning of tai is maximum. तो यांग चैनल्स ने कहा यिन को, देखो यिन रो, यिन आपका काम है खाना बनाना, तो ताई मेल है। ताई ने अपनी फीमेल को बोला, यानी यिन को, कि ओ सुनो सारी फीमेल्स, मतलब जितनी भी यिन है, हार्ट, लिवर, पेरिकार्डियम, व्हाटएवर द फीमेल्स,
उन्होंने कहा, हम जितने भी यांग हैं इनका काम है सुरक्षा देना, तुम लोग आराम से अंदर बैठो रूम में। सो द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफेंस गोइंग टू द यांग चैनल्स, यांग चैनल्स। जब मेल कुछ नहीं कर पाएगा तो फीमेल निकलेगी महारानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर, लेकिन पहले तो यांग को ही लड़ना पड़ेगा। सो व्हेन पैथोजन वांट टू अटैक इन योर बॉडी द फर्स्ट यांग विल फाइट, इफ फर्स्ट यांग विल फेल देन द सेकंड यांग विल फाइट, इफ द सेकंड यांग विल फेल देन द थर्ड यांग विल फाइट, व्हेन ऑल द मेल विल बी डिफीटेड then the female will come with the swords like Maharani Lakshmi Bai. तो जब फीमेल मैदान में आ गई तो समझ जाना कि रोग काफी अंदर पहुंच गया। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन कब कब लड़ता है। Let's see now. So look at here. One minute. So this is the outermost defense of the Chakravyuh, and this is the second defense of the Chakravyuh, and this is the third defense of the Chakravyuh. So this is the outermost defense, this is the second defense, and this is the third defense. So these all three defense are provided by the yang. हमारे शरीर के बाहर के तीन सुरक्षा कवच यांग के द्वारा बनाए जाते हैं, और अगर यांग, अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करेगा, so first the pathogen will fight here. If pathogen get success, then it will go to the second level, then it will go to the third level, and even if it is the pathogen having too much power, then it will even cross the third level. Now as soon as it crosses the third level, now the fight will be with the yin, because inner part is yin and this outer part is yang. अगर पैथोजन ने तीन लेवल क्रॉस कर लिए तो अब बात आएगी यिन की। अब यिन भी तीन लेवल बनाएगा, सो देयर विल बी थ्री लेवल्स ऑफ द यिन, एंड सम टाइम पैथोजन इज टू पावरफुल, एंड इवन पैथोजन पेनिट्रेटिंग द फर्स्ट लेवल ऑफ यिन, द सेकंड लेवल ऑफ यिन, इवन द थर्ड लेवल ऑफ यिन, एंड सिटिंग इन द सेंटर एंड कमांडिंग होल बॉडी। अगर पैथोजन ने सारे छह लेवल क्रॉस कर लिए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्मिनल कंडीशन, द लास्ट कंडीशन। इन्हीं को हम छह अवस्थाएं कहते हैं। तो बाहर की तीन लेयर यांग ने बनाई हैं और अंदर की तीन लेयर यिन ने बनाई है। तो चलिए बात करते हैं, लेट्स सी नाउ। सो द आउटर मोस्ट लेयर मींस मैक्सिमम यांग, the outer most layer means maximum yang or the greater yang or the tai yang. The outer most layer is the maximum yang or the greater yang or the tai yang, because meaning of tai is maximum, the meaning of tai is maximum. तो अगर हमारे शरीर पर किसी भी बैक्टीरिया वायरस का आक्रमण हुआ तो सबसे पहले ताई यांग लड़ेगा। इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी अगर आप देखोगे, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन है? अगर कोई डंडा मारे तो पीछे मारे बटक्स में तो असर कम होगा कि आगे मारे तो असर कम होगा, बताइए? नहीं, अगर किसी की पिटाई लगाई जाए, पुलिस वाले मारते हैं कैदियों को या मुजरिमों को, तो
तो पीछे डंडे मारते हैं कि आगे मारते हैं, पीछे मारते हैं क्योंकि उनको पता है कि बहुत मजबूत है, ज्यादा डंडे खा लेगा, आगे मारा तो हो सकता है वही बेहोश होकर गिर जाएगा। सो द बैक साइड इज द यांग साइड एंड वी नो द मेरिडियन हु इज पासिंग फ्रॉम द बैक साइड दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। एंड इवन इफ यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, अगर आप सीधे खड़े हो जाओगे, सावधान। सो द मेरिडियन पासिंग फ्रॉम द कराटे साइड दैट इज द एसआई मेरिडियन कराटे साइड। सो इफ यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, look at here, if you are standing like this, so this is the karate side, small finger side is the karate side, so the SI meridian is passing from here, and from the back side urinary bladder meridian passing, so SI and UV will provide you first defense, so SI or UV hume pehla defense provide karenge, इसलिए एसआई और यूवी को कहते हैं मैक्सिमम यांग, ग्रेटर यांग और द ताइयांग। तो प्रश्न क्या पूछेगा कोई कि बताओ तो ताइयांग कौन होता है, एसआई एंड यूवी। अच्छा अपर ताइयांग कौन होता है, एसआई, लोअर ताइयांग कौन होता है, यूवी, दैट्स इट। सो हु इज द अपर ताइयांग, अपर ताइयांग इज एसआई। अगर किसी ने मेरे ऊपर आक्रमण किया तो सबसे पहले मैं उसे कराटे से लड़ूंगा, वही मेरा फर्स्ट डिफेंस है। और अगर नीचे हम जाएंगे तो नीचे है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। सो रिमेंबर द आउटर मोस्ट डिफेंस सिस्टम और द फर्स्ट डिफेंस सिस्टम दैट इज मेड बाय ताई ताइयांग और द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो इसे हम कहते हैं पहला डिफेंस लेयर। सो नाउ दिस आउटर मोस्ट डिफेंस सिस्टम इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन द अपर पार्ट एंड यूरिनरी ब्लैडर इन द लोअर पार्ट। गॉट इट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर वन, अपर ताइयांग, हु इज द अपर ताइयांग? So what is the answer? Upper taiyang is small intestine. Question number two. Who is the lower taiyang? The lower taiyang means answer urinary bladder. Lower taiyang means urinary bladder. Okay. Now, कि जब हमारे शरीर पर किसी बैक्टीरिया और वायरस का, किसी पैथोजन का या ठंडी का आक्रमण होता है तो सबसे पहले कौन प्रभावित होता है, एसआई एंड यूवी। द फर्स्ट व्हाट थिंग हैपेंड दैट इज एसआई एंड यूवी। और क्या करते हैं दोनों, एसआई और यूवी क्या करते हैं, जैसे किसी बैक्टीरिया वायरस ने आक्रमण किया सबसे पहले आपके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, सो दे आर क्लोजिंग द पोर्स। This is the defense, closing the pores. So when some patient is coming to you, doctor, I am not getting sweating. How you will get the sweating? Your pores are closed. Okay. So go to the SI and UV, request them. Then they will open the pores. Tabhi wo pores ko open karenge. Now, अगर पैथोजन बहुत शक्तिशाली हुआ, इफ द पैथोजन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, देन पैथोजन विल बिन एंड विल इंटर इनसाइड। तो राज, अगर पैथोजन बहुत ताकतवर हुआ तो पैथोजन अंदर जाएगा। अब इसकी लड़ाई हमारे सेकेंड डिफेंस सिस्टम से होगी। नाउ इट विल फाइट विद द सेकेंड डिफेंस सिस्टम। लेट्स सी नाउ, look at here. तो हमारे पास है, we can divide the yang in three part, one having too much yang, one having little lesser yang, and one is having very least yang. तो इसे हम कहते हैं greater yang,
ग्रेटर यांग और ताई यांग, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड, ओके वी कैन नॉट टेल इट ग्रेटर, हम सेकेंड वाले को ग्रेटर नहीं कह सकते, लेकिन यह भी कोई कमजोर नहीं है, तो ग्रेटर तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन चलो हम बोल देते हैं ब्राइट यांग, ब्राइट यांग, क्योंकि ये भी एक हमारा जबरदस्त यांग है। और चाइनीज लैंग्वेज में द मीनिंग ऑफ ब्राइट इज इक्वल टू मिंग, ब्राइट को मिंग कहते हैं, मिंग का मतलब है ब्राइट, चमकना, तो इसी का दूसरा नाम है यांग मिंग, यांग मिंग। सो मीनिंग ऑफ यांग मिंग मींस जब ग्रेटर यांग ने काम नहीं किया और वायरस अंदर प्रवेश कर गया, अब वो सेकेंड लेवल पर लड़ाई होगी, तो कौन लड़ेगा, ब्राइट यांग लड़ेगा और यांग मिंग लड़ेगा, बिकॉज मीनिंग ऑफ ब्राइट इज मिंग, सो दिस इज कॉल्ड यांग मिंग और द ब्राइट यांग। ओके, सो इफ वी लुक एट द बॉडी, अगर हम शरीर को देखें, सो लुक एट द बॉडी, सो दिस इज द बॉडी। Now, this is the front side of the body. Now, the urinary bladder meridian is passing like that, that we know. So, SI and UV are in the back side of the body. ये SI और UV हमारे बैक साइड ऑफ द बॉडी में होते हैं और वो काफी मजबूत होते हैं, तो इन्होंने तो बनाया ग्रेटर यांग, बट नाउ द बैक्टीरिया वायरस हैव पेनिट्रेटेड दिस लेवल, पैथोजन ने इस लेवल को क्रॉस कर लिया है, तो अब हमारी फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी विल फाइट, सो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी एंड वी नो दिस इज द स्टमक मेरिडियन, दिस इज द स्टमक मेरिडियन। दिस इज द स्टमक मेरिडियन हु फाउंड इन द फ्रंट साइड। तो अगर पीछे का मेरिडियन हार गया कोई बात नहीं है, अब हम आगे के मेरिडियन को मैदान में उतार देंगे। सो द फ्रंट मेरिडियन दैट इज स्टमक। नाउ इन द सेम वे इफ यू गो इन योर हैंड, अगर आप अपने हाथों में जाएंगे तो जरा बताइए तो कि फ्रंट में हमारा इंडेक्स फिंगर में कौन सा यांग मेरिडियन होता है, थंब और इंडेक्स फिंगर कोई भी ले लो, इनमें कौन सा यांग मेरिडियन होता है, क्योंकि बैक साइड का मेरिडियन तो खत्म हो गया, नाउ वी आर कमिंग टू द फ्रंट मेरिडियन, हु इज देयर, दैट इज एल आई। सो नाउ एल आई एंड एस टी both are front meridian, now they will jump and to fight. अब LI और ST जो front के meridian है, भले ही थोड़े delicate हैं, लेकिन फिर भी young हैं, फिर भी male हैं, now they will come in the ground, on the ground to fight. तो इन्हें हम कहते हैं चलो भाई कोई बात नहीं है, हम इनको भी बोलते हैं भाई तुम भी bright young हो, तुम great नहीं हो लेकिन तुम bright हो, जरूरत पड़ने पर मैदान में तो आए, सो दिस इज कॉल्ड ब्राइट यांग। सो द मीनिंग ऑफ ब्राइट यांग एल आई एंड एस टी, सो एल आई एंड एस टी आर द सेकेंड डिफेंस लेवल और द ब्राइट यांग और द मीनिंग ऑफ ब्राइट मीन्स मिंग, so we also telling yang ming. Okay, so question number 1, who is upper yang ming? So upper yang ming means li. Question number 2, who is lower yang ming? Then the lower yang ming means
स्टमक, दैट्स इट। तो जब हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो इसे पहले ये दो लेवल क्रॉस करने होते हैं। द फर्स्ट लेवल इज मेड बाई एस आई एंड यू बी एंड द सेकेंड लेवल इज मेड बाई एल आई एंड एस टी। द फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड ताई, द मीनिंग ऑफ ताई इज मैक्सिमम एंड द सेकेंड लेवल इज कॉल्ड यांग मिंग। द फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड ग्रेटर यांग एंड द सेकेंड लेवल इज कॉल्ड नॉट ग्रेटर बट इवन ब्राइट यांग। और जब कोई बैक्टीरिया वायरस पहले लेवल को पर जब होता है तो व्यक्ति को शिवरिंग होती है, ठंड लगती है, और जब कोई बैक्टीरिया वायरस दूसरे लेवल पर होता है तो व्यक्ति को फीवर आता है, तेज और गर्मी बढ़ती है, ये अंतर है। तो कोई व्यक्ति बोले आपको ठंड लग रही है, पंखा बंद करो, मतलब अभी ताइयांग पर लड़ाई जारी है। और जब कोई व्यक्ति बोले यार फीवर आ गया, मतलब पैथोजन अंदर एंटर कर गया। So if the person is telling you, oh, kindly switch off the fan, kindly I'm feeling shivering, give me some blanket, it means fight is on the outer layer, tai yang. But the person is feeling heat, it means fight in the second level. So ye bhi prashn poochte hain, bataiye ki sharir se garmi nikalega kaun? To li 11 LI4, शरीर से फीवर निकालेगा कौन? गवर्निंग वेसल 14। तो जब वायरस पैथोजन दूसरे लेवल पर प्रवेश कर जाता है तो मेनली हम तीन पॉइंट का प्रयोग करते हैं। सो व्हेन द वायरस इज कमिंग इन द सेकंड लेवल मींस एट द लेवल ऑफ LI एंड ST, सो हाउ कैन बी एक्सपेल द हीट, हाउ कैन बी एक्सपेल्ड हीट, हम गर्मी को कैसे फेंकेंगे? तो लगाएंगे LI4, LI11 एंड गवर्निंग वेसल 14। गवर्निंग वेसल 14 फॉर द फीवर एंड LI4 एंड LI11 फॉर हीट एंड द स्पेशल पॉइंट फॉर द हीट इज LI11। तो जब हम LI11 को सेडेट करते हैं तो शरीर से गर्मी निकल जाती है। तो यह भी प्रश्न हमारा बहुत महत्वपूर्ण है कि गर्मी को कौन निकालता है? आंसर LI11। फीवर को कौन भगाता है? फीवर को, आंसर गवर्निंग वेसल 14। गॉट इट? नाउ सपोज स्टिल ना वायरस और पैथोजन इज टू स्ट्रॉन्ग, इतना खतरनाक है, ये भी क्रॉस कर गया, अब पहुंचेगा तीसरे लेवल पर। और तीसरे लेवल का मतलब क्या है? तीसरे लेवल का मतलब समझिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थर्ड लेवल। सो नाउ पैथोजन हैज क्रॉस्ड लेवल 1, लेवल 2, now pathogen has reached to the level 3, reaching to the level 3, now what will happen? To pehle ko to humne bola tha tai means maximum, dusre ko bola tha ming means right, even right, ab teesre ko hum kya bolenge? bhai iske paas to maximum tha aur iske paas thoda kam tha, yani bright, और इसके पास तो बहुत कम है यानी लेसर। तो तीसरे वाले को हम बोलते हैं लेसर यांग एंड द मीनिंग ऑफ लेसर इन द चाइनीज शाओ, द मीनिंग ऑफ लेसर मीन शाओ, सो द अदर नेम ऑफ दिस इज शाओ यांग। तो कभी कोई बोले शाओ यांग, तो द मीनिंग ऑफ शाओ यांग मीन्स लेसर यांग। तो शाओ का मतलब होता है कम, लेसर, तो सबसे बाहर ग्रेटर, उसके अंदर ब्राइट और सबसे अंदर लेसर, लेसर यांग। सो नाउ दिस इज द लेसर यांग
So look at the body. This is the front side of the body. Sorry. So this is the back side of the body. This is the front side of the body. Now, this is the lateral side of the body, neither front nor the back. So this is the back side of the body. This is the front side of the body. And this is the side of the body. So back means Tai or maximum yang. Front means Ming or bright yang. So the outermost layer is SI and UV, and the second layer is SI, LI and ST. तो बाहर को हमने बोला ताई और सेकंड को बोला मिंग. अब तीसरे लेवल पर आते हैं, ये तो बहुत कम है, इसे बोलते हैं हम लेसर यांग और द अदर नेम इज शाओ यांग बिकॉज मीनिंग ऑफ शाओ इज लेसर. तो शाओ यांग कैसे बना है? अब आप इधर देखिए, अगर आप लुक एट मी, लुक एट माय फेस, अब देखिए ये तो पीछे हो गया, ये आगे हो गया. अब क्या किया, थोड़ा पीछे का भाग ले लिया, थोड़ा आगे का भाग ले लिया, तो थोड़ा आगे का थोड़ा पीछे का तो बन गया साइड का, साइड का बन गया. सो द थर्ड यांग और द लेसर यांग मींस द साइड यांग और बिनो हियर इन द साइड गॉल ब्लैडर मेरिडियन इज सप्लाइंग द होल बॉडी. नाउ इफ यू गो इन द हैंड, अगर हम अपने हाथ में जाएं, सो दिस इज द कराटे साइड स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, दिस इज द इंडेक्स फिंगर साइड लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, एंड दिस इज द मिडिल मींस ट्रिपल वार्मर मेरिडियन. तो ट्रिपल वार्मर बीच में है, जिसके ऊपर बैक का भी प्रभाव है, इधर का भी प्रभाव है. सो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन इन द मिडिल. सो नाउ ट्रिपल वार्मर एंड द गॉल ब्लैडर जो ना तो आगे है ना पीछे हैं, बल्कि इन दोनों के बीच में है, ये बनाएंगे हमारा तीसरा डिफेंस सिस्टम. तो जब भी हमारे शरीर में कोई पैथोजन का आक्रमण होगा, उसे क्रम से इन लेवल्स को पार करना होगा. तो जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा, पहले लेवल पर बोलेगा, डॉक्टर साहब ठंडी लग रही है, कुछ लाओ ठंडी लग रही है, मतलब तायांग. ऑन द फर्स्ट लेवल द पेशेंट विल शिवर, इन द सेकेंड लेवल ओ वेरी हाई फीवर. Then what will happen on the third level? On the third level, person will tell you, doctor, I am feeling shivering. And after 30 minutes, doctor, I am feeling fever. Sometimes shivering, sometimes fever, sometimes shivering, sometimes fever, because the third level is the combination of front and back. So fluctuation hoga. Kabhi thand lagegi, kabhi garmi lagegi. So jab front bhag ki energy par hoga, to thand lagegi. Sorry. जब बैक पार्ट की एनर्जी पर होगा तो ठंड लगेगी, जब फ्रंट पार्ट की एनर्जी पर होगा तो गर्मी लगेगी. तो इससे हम पहचान जाते हैं कि पेशेंट कौन से लेवल पर है. सो द थर्ड लेवल इज मेड बाय, थर्ड लेवल इज द शाओयांग. शाओयांग मींस ट्रिपल वार्मर एंड गॉलब्लैडर. तो पहले लेवल में लगेगी शिवरिंग, on the second level heat, on the third level sometimes shivering and sometime heat. So this is the third level. तो हमारे शरीर के जो तीन लेवल बनते हैं, तो इसमें हम बोलेंगे, tell me, upper Shaoyang, who is the upper Shaoyang? So answer will be triple warmer. और सेंज्यायो, ट्रिपल वार्मर और सेंज्यायो एक ही बात है, चाहे तो ट्रिपल वार्मर बोलो या ट्रिपल हीटर बोलो, और यू कैन टेल ट्रिपल वर्नर, और यू कैन टेल सेंज्यायो, एक ही बात है, दीज ऑल आर सेम.
So who is the upper Xiao Yang triple warmer and who is the lower Xiao Yang? So that is the gallbladder. So now look at here. तो हमारे शरीर के तीन डिफेंस सिस्टम यांग से बनते हैं. द आउटर मोस्ट मीन्स एस आई एंड यू बी, द सेकेंड इज एल आई एंड एस टी, द थर्ड इज ट्रिपल वार्मर एंड गॉल बेडर. द आउटर मोस्ट मीन्स ताई यांग, द सेकेंड इज यांग मिंग एंड थर्ड इज शाओ यांग. द आउटर मोस्ट मीन्स ग्रेटर यांग, the second one is bright yang and the third one is lesser yang. Okay, it's clear. Samajh mein aaya? Koi confusion? Radna padega abhi aapko, radne ki zarurat hai? Koi zarurat nahi radne ki. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब देखो, अगर तीन यांग हार गए तो अब कौन निकलेगी? महारानी लक्ष्मीबाई अंदर से. तो उसमें भी अब हम बात करते हैं, अब अंदर की बात करते हैं. लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड. सो नाउ वन two and three level crossed, three level crossed. Now reaching to the three yin level, one, two and three. These are the three yin level. So three level crossed, these are the yang three level crossed. Ab pathogen andar pahunchega. तो जैसे ही अंदर आएगा तो सबसे पहले फिर से आएगा सामने कौन? ताई यिन, ताई यिन. क्योंकि पहले तो ताई ही आएगा. ताई का मतलब ही होता है मैक्सिमम. तो सबसे पहले कौन आएगा? ताई यिन. द मीनिंग ऑफ ताई यिन, हु इज हैविंग मैक्सिमम यिन, जिसके पास मैक्सिमम यिन है. तो चलिए बताइए कि हमारे शरीर में ज्यादा यिन पीछे है कि आगे है? इन द बॉडी वी आर हैविंग मोर इन द बैक साइड और द फ्रंट साइड. कहां पर होगा? फ्रंट में होगा. तो ताई यिन पीछे नहीं होगा, ताई यिन तो फ्रंट में होगा. तो पहली रानी लक्ष्मीबाई निकलेगी तलवार लेके फ्रंट से. और फ्रंट में कौन होता है? लंग्स, लंग्स होता है फ्रंट. सो लुक एट द इमेज, लुक एट द इमेज, देन यू रियलाइज कि फ्रंट में कौन होता है. तो फ्रंट में होता है लंग्स, और पैरों में जाओगे तो पैरों में भी देखते हैं कौन होता है. आप बताइए कि स्प्लीन फ्रंट में है, घुटने के आसपास देखिए, घुटने में देखिए, थाई में देखिए, स्प्लीन फ्रंट में है कि किडनी फ्रंट में है? बताइए कौन फ्रंट, हु इज इन द फ्रंट, स्प्लीन और किडनी? सो स्प्लीन इज इन द फ्रंट and kidney is in the back, but liver in between. Liver तो बीच में है, आगे है spleen. तो ऊपर से lungs, और आप देखिए जब भी हम आगे की बात करते हैं तो अगर आप खड़े हो जाए सावधान, सावधान में हमारे हाथ ऐसा रहता है. Look at the position of hand. This सावधान. Thumb will be in the front side. तो थंब में कौन सा मेरिडियन होता है? थंब में कौन सा मेरिडियन होता है? लंग्स. सो लंग मेरिडियन विल जंप एंड द स्प्लीन मेरिडियन विल जंप बिकॉज बोथ आर द मेरिडियन ऑफ द फ्रंट साइड. दोनों मेरिडियन हमारे फ्रंट साइड के हैं. सो लंग्स एंड स्प्लीन
will be jumping first to fight with the pathogen. तो सबसे पहले जो मैदान में उतरेंगे हमारे फ्रंट के यिन मेरिडियन उतरेंगे क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा यिन होता है. दे आर हैविंग मैक्सिमम यिन. सो लुक एट हियर. सो नाउ द मीनिंग ऑफ ताई यिन, द मीनिंग ऑफ ताई मींस मैक्सिमम एंड द मीनिंग ऑफ यिन मींस दैट वी नो यिन. इसका मतलब है कि जिनके पास मैक्सिमम यिन है, और इन द अदर वर्ड वी कैन टेल ग्रेटर यिन. अगर इफ यू लुक एट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द फ्रंट साइड, सो द लंग मेरिडियन इज इन द फ्रंट साइड टुवर्ड द थंब. And spleen meridian also in the front side. So lung and spleen will be jumping first. तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अपर ताइयन कौन है, अपर ताइयन कौन है, so our answer will be lung and lower ताइयन कौन है, then answer will be spleen. तो जैसे हमारे शरीर पर किसी पैथोजन का आक्रमण हुआ, सो फर्स्ट पैथोजन इज फाइटिंग विद एसआई एंड यूबी, सेकंड एलआई प्लस एसटी, थर्ड ट्रिपल वार्मर एंड गॉलब्लैडर, एंड द फोर्थ लंग एंड स्प्लीन. तो जब भी हमारे शरीर में कोई इस तरह के लक्षण पैदा होते हैं, इस तरह के पूरे लक्षण पैदा होते हैं, और इन लक्षणों को देखकर हम पहचान जाते हैं कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ है, क्या लक्षण होंगे. अगर किसी ने बोला डॉक्टर साहब पेट फूला फूला लग रहा है, मतलब स्प्लीन गड़बड़ है. पेट फूला फूला क्यों लग रहा है? स्प्लीन गड़बड़ है, मतलब मामला चौथे लेवल पर पहुंच गया, ताइयन के लेवल पर पहुंच गया. कि पेट फूला फूला लग रहा है, भूख नहीं लग रही, डॉक्टर साहब फीलिंग ब्लोटिंग इन द एब्डोमेन, नो हंगर, it means mamla matter has been reached till the fourth level. चौथे level तक बात पहुंच गई है. और सबसे prominent sign इसका यही होता है कि अब ज्यादा fever बीबर नहीं होता. fever तो दूसरे level पर था, सबसे ज्यादा the highest fever will be on the second level. अब देखिए अगर किसी व्यक्ति को cancer भी होता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि इसको पूरे 5 साल fever रहता है, ऐसा नहीं होता. फीवर तो केवल सेकंड स्टेज में आता है. फीवर इज कमिंग ओनली इन द सेकंड स्टेज. इफ द वायरस रीचिंग ऑन द फोर्थ लेवल और द पैथोजन रीचिंग ऑन द फोर्थ लेवल, देन पर्सन विल बी हैविंग ब्लोटिंग इन द एब्डोमिन, नो हंगर, नो एपेटाइट, नो फीवर, फीवर भी नहीं. उसे फीवरिश लग सकता है. द पर्सन माइट फील फीवरिश बट नो फीवर. Got it? So this is the fourth level made by lungs and spleen, and this level is giving you symptom of the indigestion. Or lung ka kaam hai urja dena. Person will tell you, I am feeling tired. Mujhe koi kaam karne ka man nahi ho raha hai. Because lungs is the governor of chi. Lung to hamara chi ka governor hai. और पैथोजन ने इसको भी पार कर लिया. नाउ पैथोजन हैज क्रॉस दिस, देन व्हाट विल हैपन. सो फर्स्ट पैथोजन हैज क्रॉस थ्री यांग लेवल. पहले तो पैथोजन ने हमारे तीन यांग लेवल क्रॉस किए, 1, 2, 3. दीज आर द थ्री यांग लेवल. नाउ पैथोजन इज ऑल्सो क्रॉस्ड ताई यिन, means greater yin, means lung and spleen. अब क्या होगा? अब हमारे yin organ के पास बस दो ही main चीज होती है. या तो greater yin होगा
या लेसर यिन होगा, बीच का ब्राइट ब्राइट जैसा कुछ नहीं होता। सो द यिन ऑर्गन विल बी हैविंग आइदर द ग्रेटर यिन और द लेसर यिन, या तो खूब ज्यादा यिन वाला ऑर्गन होगा जैसे लंग एंड स्प्लीन, या फिर लेसर यिन वाला होगा मतलब शाओयिन, शाओयिन बीच का कुछ मिंग मिंग जैसा कुछ नहीं होता। सो नाउ इफ द पैथोजन इज क्रॉसिंग दिस लेवल देन डायरेक्टली कमिंग टू द फ्रॉम द ग्रेटर यिन डायरेक्टली कमिंग टू द लेसर यिन, बीच में कुछ नहीं है। जैसे यांग में प्रवेश किया था तो तीन लेवल थे, ग्रेटर यिन सॉरी ग्रेटर यांग, ब्राइट यांग, लेसर यांग। यहां ऐसा नहीं है, ग्रेटर यिन एंड डायरेक्टली लेसर यिन। सो डायरेक्टली नाउ वी आर जंपिंग टू द लेसर यिन, लेट्स सी नाउ। अब हमारे पास है ही नहीं बीच वाला लेवल, तो अब हम पहुंच रहे हैं नाउ द सेकंड लेवल विल बी डायरेक्ट लेवल ऑफ द लेसर यिन और द शाओ यिन, शाओ यिन और द लेसर यिन। अब देखिए, अगर आप बताइए हमारे शरीर में आपने कहा कि आगे की तरफ ज्यादा यिन होता है, अब हमारे पास क्या बचा, पीछे का भाग। तो बताइए कि आगे ज्यादा यिन होगा तो यिन पीछे कम यिन होगा, पीछे कम यिन होगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट, नाउ वी आर रीचिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द डायरेक्टली वी आर रीचिंग टू द शाओ यिन। द मीनिंग ऑफ शाओ मींस लेसर। तो हमने फ्रंट पार्ट ऑलरेडी देख लिया, नाउ वी आर रीचिंग टू द बैक बॉडी पार्ट, नाउ लुक एट द बैक बॉडी पार्ट। अब शरीर के अगर आप बैक बॉडी पार्ट को देखेंगे तो मेरा हाथ देखिए जरा, लुक एट माय हैंड, अंगूठा तो फ्रंट साइड में है तो स्मॉल फिंगर बैक साइड में है, क्योंकि मैं सावधान खड़ा होऊंगा, सावधान अटेंशन। सो थंब विल बी इन द फ्रंट साइड, स्मॉल फिंगर इन द बैक साइड। सो व्हाट इज द नेम ऑफ बैक मेरिडियन, इस मेरिडियन इस उंगली में कौन सा मेरिडियन होगा, इस उंगली में होगा हार्ट मेरिडियन। अब पैरों में जाऊंगा तो पैरों में बताइए स्प्लीन आगे है कि किडनी पीछे, कौन है स्प्लीन पीछे है कि किडनी पीछे, हु इज इन द बैक साइड, वेदर द स्प्लीन इज ऑन द बैक साइड और द किडनी इज ऑन द बैक साइड। इफ आई गो इन द लोअर बॉडी, हु इज इन द बैक साइड, वेदर द स्प्लीन और द किडनी, किडनी किडनी बैक साइड में। आपको पता होगा कि किडनी का मेरिडियन हमारे घुटने के घुटने को क्रॉस करके जाता है, हमारे घुटने के पीछे यूरिनरी ब्लैडर 40 भी होता है और किडनी 10 भी होता है, किडनी पीछे से जाता है। द किडनी मेरिडियन पासिंग फ्रॉम द बैक साइड एंड वी कैन सी द किडनी 10 ऑन द नी क्रीज ऑन द बैक साइड। सो नाउ दिस लेवल इज मेड बाय द लेसर यांग, इज मेड बाय बाय हार्ट एंड द किडनी। तो आपने देखा कि जब हमने यिन की बात की, व्हेन वी टॉक अबाउट यिन, so the first defense is made by the front body and the second defense is made by the back side of the body. So the first defense is made by lungs and spleen and second defense is made by heart and kidney. तो जैसे लंग हमारी छाती में होता है हम जानते हैं, तो लंग ने जैसी डिफेंस बनाया तो हार्ट ने सोचा कि मैं भी तो दो लंग्स के बीच में बैठा हूं, मैं पीछे कैसे रह जाऊं, तो अगला डिफेंस हार्ट ने बना दिया। ओके, बट द लंग इज हैविंग मैक्सिमम यिन एंड हार्ट इज हैविंग मिनिमम यिन, लेसर यिन। अगर यिन की बात करो, हम जानते हैं कि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, पंपिंग 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 एंड ब्लड इज वेरी रेड। सो हार्ट इज हैविंग, lung is having maximum yin and heart is having very very least yin, bahut hi kam yin hota hai uske paas. So when we talk about the maximum yang means lungs and when we talk about the lesser yang, sorry, when we talk about the maximum yin means lungs and when we talk about the minimum yin
देन हार्ट। तो अगर मैं आपसे बोलूं, क्योंकि हम जानते हैं कि लंग भी यिन है और हार्ट भी यिन है, तो मैं पूछूं बताओ तो कि लंग और हार्ट में ज्यादा यिन कौन है, तो आप बोलोगे भाई देखो यिन का काम क्या होता है, फीमेल का काम क्या होता है, फैमिली बनाना है ना। तो जिसके अंदर फीमेल के जितने ज्यादा लक्षण होंगे वो उतनी ज्यादा फैमिली बनाएगी, इसलिए लंग्स फैमिली में रहता है, वी आर हैविंग टू लंग्स। तो लंग में ज्यादा यिन है तभी तो फैमिली में रहता है, और हार्ट के अंदर यिन कम है तभी तो बेचारा अकेला है। देखो तो यांग का काम होता है भागना, अकेला भागना, और यिन का काम होता है फैमिली बनाना। सो द यिन हैविंग मैक्सिमम यिन दैट डेफिनेटली विल बी इन द फैमिली। जिसके पास मैक्सिमम यिन होगा वो फैमिली में रहेगा जैसे कि लंग्स, और जिसके पास कम यिन होगा वो अकेला रहेगा, क्योंकि फैमिली बनाने के लिए आपको यिन चाहिए। जब एक मेल जॉब करने के लिए बाहर जाता है उसे यांग कहते हैं, और रात को लौटकर घर पर आ जाता है उसे यिन कहते हैं। यिन का मतलब है कमिंग बैक टू द होम, वापस घर पर आ जाना। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ हु इज द ग्रेटर या ग्रेटर यिन, व्हाट इज योर आंसर, टेल मी हु इज द ग्रेटर यिन, व्हाट इज योर आंसर, बताइए कौन ग्रेटर यिन है। तो आप बोलेंगे ऊपर लंग्स है और नीचे स्प्लीन है। इन द अपर पार्ट वी हैव लंग्स, इन द लोअर पार्ट वी हैव स्प्लीन, स्प्लीन भी है जी। ओके, अब अगला प्रश्न, कौन लेसर यिन है, किसके पास लेसर यिन है, हु इज लेसर यिन। तो आप बोलेंगे ऊपर हार्ट और नीचे किडनी, नीचे किडनी, हार्ट एंड किडनी। ओके, तो जब हार्ट और किडनी की हम बात करते हैं यही कारण है। अब देखो इनके बीच के रिलेशन को भी समझो आप, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन हियर, लुक एट हियर वन मिनट। सो लुक एट हियर, जब भी किसी की स्प्लीन कमजोर होती है तो जो कफ का निर्माण होता है वो लंग में जाके जमा होता है। तो स्प्लीन एंड लंग आर अफेक्टिंग ईच अदर वेरी डीपली, एंड व्हेन समवन इज हैविंग प्रॉब्लम इन द किडनी देन वी कैन सी द हाई ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ द किडनी। और जितने भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें से बहुत सारे लोगों को किडनी के कारण होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया को आप जब पढ़ेंगे कभी तो आपको पता चलेगा हमारी किडनी से एक रेनिन नाम का केमिकल निकलता है जो बीपी को बढ़ाता है, जो बीपी को बढ़ाता है। तो किडनी हार्ट को प्रभावित करती है क्योंकि दोनों एक ही लेवल के हैं, एंड दे आर अफेक्टिंग ईच अदर बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम लेवल, लेसर यिन। एंड इन द सेम वे स्प्लीन इज अफेक्टिंग द लंग्स, इफ देयर इज ए कफा फॉर्मेशन बिकॉज स्प्लीन इज वीकर देन दिस कफा विल गेट डिपोजिटेड इन द लंग्स। गेटिंग माई पॉइंट, चलिए तो एक बार हम इसको यहां देखते हैं, लुक एट हियर। तो हमने कहा कि लंग्स एंड स्प्लीन मींस ताई यांग, ताई यिन और द ग्रेटर यिन, एंड हार्ट एंड किडनी मींस लेसर यिन, एंड द मीनिंग ऑफ लेसर मींस शाओ यिन। ओके, सो लेट्स सी नाउ, एक बार हम यहां समराइज करते हैं। तो जब हम यांग की बात करते हैं, सो वी हैव ताई यांग, we have taiyang means greater yang, then we have yang ming, the meaning of yang ming means bright yang, then we have shao yang, the meaning of shao yang means lesser yang। to yahan par tai ka matlab tha maximum, the meaning of tai means maximum,
द मीनिंग ऑफ मिंग मीन्स ब्राइट एंड द मीनिंग ऑफ शाओ मीन्स लेसर। तो ये बात हमें समझ में आ गई। एस आई एंड यूबी, एल आई एंड एस टी, ट्रिपल वार्मर एंड गॉलवेडर। तो ये तो बात हमको समझ में आ गई। अब हम गए यिन में। नाउ वी आर मूविंग टू द यिन। सो इन द यिन ऑल्सो वी हैव ताई यिन और द ग्रेटर यिन मीन्स लंग्स एंड स्प्लीन, बट वी डोंट हैव दिस, ये नहीं है। देन वी हैव शाओ यिन मीन्स लेसर यिन मीन्स हार्ट एंड किडनी, क्योंकि हार्ट के पास कम है। लेकिन हमने बात की थी कि हमारे तो छह डिफेंस लेयर होते हैं, तो छठवा कहां गया? वेयर इज द सिक्स्थ नंबर? लेट्स सी नाउ। सो वी आर हैविंग 1, 2, 3, दे आर मेड बाय यांग, देन 1, 2, 3, दे आर मेड बाय यिन। सो दिस इज द ताई यिन मीन्स मैक्सिमम यिन लंग्स एंड स्प्लीन, एंड दिस इज द लेसर यिन और द शाओ यिन मीन्स हार्ट एंड किडनी। तो ये लेवल कौन सा है, इसका नाम क्या होगा? अगर किसी वायरस ने हमारे शरीर में एंटर किया, सो क्रॉसिंग द फर्स्ट लेवल, क्रॉसिंग द सेकंड लेवल, क्रॉसिंग द थर्ड लेवल, क्रॉसिंग द फोर्थ लेवल, क्रॉसिंग द फिफ्थ लेवल एंड फाइनली रीचिंग ऑन द सिक्स्थ लेवल, ये सिक्स्थ लेवल का क्या नाम है? अगर कोई वायरस पैथोजन क्रॉस करते 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 हमारे सिक्स लेवल पर पहुंच गया, मतलब दिस इज कॉल्ड टर्मिनल यिन, टर्मिनल यिन, दिस इज द लास्ट यिन, टर्मिनल यिन। एंड द मीनिंग ऑफ टर्मिनल मीन्स लास्ट, द मीनिंग ऑफ टर्मिनल मीन्स जू, जू, दिस इज द जू। सो द लास्ट लेवल इज कॉल्ड जू यिन, जू। तो अगर किसी बैक्टीरिया वायरस ने हमारे शरीर में प्रवेश किया और लास्ट लेवल तक पहुंच गया, मतलब अब वो ब्रेन में पहुंच गया, अब वो लिवर में पहुंच गया। ना ब्रेन मींस पेरिकार्डियम, सो द मीनिंग ऑफ जू इन मींस पेरिकार्डियम एंड लिवर और द ब्रेन और लिवर। सो दिस द लास्ट और द टर्मिनल yin. So we can divide in this way three yang and the three yin. Tai yang, tai yin. Yang ming, but we don't have yang ming. Then shao yang, we have shao yin. And last is टर्मिनल यिन। सो ताइयांग मीन्स ग्रेटर यांग, ताइयन मीन्स ग्रेटर यिन, यांग मीन्स राइट, सो राइट यांग, बट वी डोंट हैव राइट हियर। देन शाओ यांग मीन्स लेसर यांग, एंड शाओ यिन मीन्स लेसर यिन, and finally this is the terminal yin or the zuin. So these are the level made by SI and UB, LI and ST, triple warmer and gallbladder, lungs, spleen, heart, kidney and pericardium and liver. So question number 1, tell me the upper zuin means pericardium or brain. Question number 2, lower zuin, answer liver.
तो इस तरह से हमें सारे डिफेंस सिस्टम समझना होते हैं। तो हमारे शरीर को ये 6 आवरण ने घेरा हुआ है। सो वी आर हैविंग 6 प्रोटेक्टिंग लेयर। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। सो द आउटर मोस्ट इज ताई यांग, सेकेंड इज यांग मिंग, थर्ड इज साओ यांग, देन ताई यिन, शाओ यिन एंड टर्मिनल यिन। दिस इज द टर्मिनल यिन। क्लियर। इस तरह से हमने, हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस इंटर करता है तो इतने लेयर क्रॉस करने होते हैं। सो अब बताइए, मेरा प्रश्न है आपसे, अब अगर आपने पूछा इन सारे लेवल्स पर अलग अलग लक्षण पैदा होते हैं हमारे शरीर में, वी आर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सपोर्ट, कि अगर कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे पांचवें लेवल पर पहुंच गया, सो फिफ्थ लेवल मीन्स द लेवल ऑफ किडनी, तो उसको यूरिनरी प्रॉब्लम्स होंगी, द पर्सन विल सफर विद द यूरिनरी प्रॉब्लम्स, उसकी यूरिन को होल्ड करने की क्षमता घट जाएगी, बार बार यूरिन के लिए भागेगा, यूरिनरी ब्लैडर कमजोर हो जाएगा, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने लगेगा और उसको उसको किडनी की तकलीफें होंगी। किडनी का मतलब है यूरिन, इसका मतलब है पांचवें लेवल पर पहुंच गया है, द वायरस हैज बीन रीच्ड ऑन द फिफ्थ लेवल। और नाउ अगर आखिरी लेवल पर पहुंच गया, दैट इज द लिवर, तो फिर हम जानते हैं पसलियों में दर्द होना, लिवर चीज स्टैग्नेशन होना, गर्भाशय में गांठे बनना, ये सब पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाना, ये इस बात की निशानी है कि वायरस अब छठवें लेवल पर पहुंचा है, दैट इज टर्मिनल यिन और द जू इन। गेटिंग माई पॉइंट? और हर लेवल के पॉइंट्स होते हैं, फॉर एवरी लेवल वी हैव सर्टेन पॉइंट्स एंड वी कैन ट्रीट द पर्सन। गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर वन, टेल मी द नेम ऑफ द मेरिडियन ऑफ ताई यांग। बताइए ताई यांग कौन कौन होते हैं, चलिए गिव मी आंसर, हु इज ताई यांग। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, बताइए हु इज अपर ताई यांग। अपर ताई यांग, ओके, हु इज लोअर ताई यांग। हु इज लोअर ताई यांग। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, टेल मी द टेल मी द नेम ऑफ यांग मिंग। यांग मिंग किसे कहते हैं? यांग मिंग, यांग मिंग। ओके, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ अपर यांग मिंग। अपर यांग मिंग कौन है? हु इज अपर यांग मिंग। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ लोअर यांग मिंग। लोअर यांग, एसटी, वंडरफुल। बताइए हु इज साओ यांग। साओ यांग का मतलब क्या है? ट्रिपल वार्मर गॉलब्लैडर। हु इज द अपर साओ यांग। अपर साओ यांग कौन है? लोअर साओ यांग कौन है? लोअर साओ यांग कौन है? चलिए गुड, अब बताइए कि हु इज द अपर ब्राइट यांग। अपर ब्राइट यांग, अपर ब्राइट यांग कौन है? अपर ब्राइट यांग, द मीनिंग ऑफ ब्राइट मींस मिंग, यांग मिंग, ब्राइट। हु इज द अपर यांग? अपर ब्राइट यांग। ओके, टेल मी हु इज द लोअर ब्राइट यांग। लोअर ब्राइट यांग कौन है? ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज द अपर ग्रेटर यांग। अपर ग्रेटर यांग, हु इज द लोअर ग्रेटर यांग? Who is the upper lesser yang? Upper lesser yang. Upper lesser yang. Who is the lower lesser yang? बताइए हमारे शरीर में less, हमारे शरीर में
वो कौन है जिसे हम कहते हैं लोअर शाओयांग? लोअर शाओयांग, हु इज द लोअर शाओयांग? ओके, ताइयन कौन होते हैं? हु इज ताइयन? हु इज ताइयन? ताइयन, ताइयन, अब हम यिन पर आ गए, ताइयन। ओके, हु इज द ग्रेटर अपर यिन? अपर ग्रेटर यिन, अपर ग्रेटर यिन। हु इज द लोअर ग्रेटर यिन? लोअर ग्रेटर यिन। ओके गुड, हु इज द टर्मिनल यिन? टर्मिनल यिन किसे कहते हैं हम? हु इज टर्मिनल यिन? लास्ट यिन। ओके, हु इज द अपर जुइन? अपर जुइन, अपर जुइन। हु इज द लोअर जुइन? लोअर जुइन। ओके, हु इज द लेसर यिन? हु इज द लेसर यिन? लेसर यिन कौन होगा? ओके, बताइए, हु इज द अपर शाओयिन? अपर शाओयिन। हु इज द लोअर शाओयिन? लोअर शाओयिन। हु इज द अपर शाओयांग? अपर शाओयांग, अपर शाओयांग। हु इज द लोअर ताई? हु इज द लोअर ताइयन? लोअर ताइयन, लोअर ताइयन। ताई मीन्स मैक्सिमम, यिन। हु इज द लोअर ताइयन? हु इज द अपर जुइन? अपर जुइन, अपर जुइन। हु इज द लोअर ताइयांग? लोअर ताइयांग, लोअर ताइयांग। हु इज द अपर शाओयांग? अपर शाओयांग, अपर शाओयांग, अपर शाओयांग। हु इज द लोअर शाओयिन? लोअर शाओयिन, लोअर शाओयिन, लोअर शाओयिन, यिन, यिन। वंडरफुल, एक्सीलेंट। तो चलिए, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, आप लोगों को याद हो गया। वंडरफुल, बहुत अच्छा, ग्रेट। तो चलिए, आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।